Assalamu alaikum learners, welcome to my channel. In this video I'm going to start exercise 1.3 of 9th class of general maths. So in this video the concept of ratio will be presented. So before starting the exercise, let's define the ratio. So ratio is the relationship of two quantities of same kind and having same units. तो सेम काइंड का यहाँ मतलब क्या है कि आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं जिनके आप दरमियान रेशियो निकाल रहे हैं उनकी किस्म एक जैसी होनी चाहिए. जैसे अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं तो वो दोनों टाइम्स के दरमियान में होने चाहिए. अब वो टाइम जो है वो एक टाइम आर में हो सकता है, एक टाइम सेकेंड में हो सकता है. इसके अलावा अगर आपने रेशियो निकालनी है तो वो लेंथ के दरमियान में हो सकती है, एक किलोमीटर में और एक मीटर में हो सकती है. लेकिन दोनों जो है वो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए. ये ना हो कि एक जो है वो टाइम हो और एक लेंथ हो. इस तरह की क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशियो नहीं निकाली जा सकती. सेकेंड है एंड हैविंग द सेम यूनिट्स, यूनिट्स उनके सेम हो. जब तक आप दो क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम नहीं करते आप उसकी रेशियो नहीं निकाल सकते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वांटिटी किलोमीटर में है दूसरी मीटर में है तो आपको दोनों को या तो किलोमीटर में करना पड़ेगा या मीटर में करना पड़ेगा, उसके अलावा आपकी रेशियो नहीं निकल सकती. इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी डेफिनेशन आपने देनी है तो उसको एग्ज़ाम्पल के बगैर नहीं लिखना. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मीटर रेशो 3 किलोमीटर. अब देखें ये मीटर है ये किलोमीटर है, तो इन दोनों में ये हो गई सेम काइंड की क्वांटिटीज़. और अगर आप सेम यूनिट्स की बात करें तो ये अगर 4 सेकंड में है तो रेशियो दूसरी भी आपकी सेकंड नहीं होनी चाहिए. तो ये हो गया सेम यूनिट्स. तो अगर आपकी इस तरह की क्वांटिटी दी हुई है तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे एक जैसे यूनिट्स में और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसकी रेशियो निकालेंगे. तो इसका जो रेशियो को डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है, रेशियो इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय द सेमी कोलन टाइप दिस टू डॉट्स. इससे हम इसको डिनोट करते हैं. लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज नाउ. क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी इन द लोएस्ट फॉर्म. तो आपको दो क्वांटिटीज दी गई हैं जिनके यूनिट सेम हैं, तो आपने उनकी रेशियो फाइंड करनी है. दूसरी बात इसमें है जी लोएस्ट फॉर्म. लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि उसके अलावा उसकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, तो आपने लास्ट तक उसकी कटिंग करनी है, उसको अपनी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जी ₹24, ₹6. इसका क्योंकि यूनिट सेम है, रुपीज़ और रुपीज़ है, इसलिए हम इसके दरमियान में रेशियो निकाल सकते हैं. तो आपने क्या करना है, 24:6. इस तरह ये होगा कि रुपीज़ और रुपीज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे. कैंसिल करना नहीं है, इसमें आपने कैंसिलेशन शो भी नहीं करनी है. तो यहाँ पे 24:6 लिखेंगे और इसके बाद इसको कटिंग करेंगे. अब देखें 24:6 किस टेबल में कट हो सकते हैं, 2 के टेबल में कट हो सकते हैं, ये डायरेक्ट भी कट हो सकते हैं, लेकिन आपने इसमें कम से कम 2 स्टेप्स ज़रूर कर लें. तो 24:6 किस पे कट होंगे, 2 पे कट होंगे, तो 2 12 24 होता है और 2 3 टाइम्स 6 होता है. एक ही सेम नंबर पे आपने इसको दोनों का टेबल मतलब आपने डिवाइड करना है. और यहाँ पे 12 और 3 किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 3 4 टाइम्स 12 एंड 3 1 टाइम्स 3. तो 4:1 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का. द सेकेंड पार्ट इज 20 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर. इसके भी यूनिट सेम है तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20:80. अब ये जो है यहाँ पे अक्सर क्या किया जाता है कि 0 0 कैंसिल कर देना, आपने कैंसिलेशन शो ही नहीं करनी, ये जो है आपका गलत इम्पैक्ट डालता है पेपर पे. तो जहाँ भी कैंसिलेशन होती है आपने शो नहीं करनी होती, जस्ट वो कैंसिल करके जो आंसर आता है वो लिख लेना आपने. तो 2 10 टाइम्स 20 होता है और 2 4 टाइम्स 8 और ये 0, 2 40 टाइम्स 80 हो गया. अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप होगा 10 1 टाइम्स 10 एंड 10 4 टाइम्स 40. तो ये आंसर आ जाएगा. और ये बात याद रखनी है कि रेशियो जो है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती, कि आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. 1:4 है तो 1:4 ही आंसर आएगा, इसको आप 4:1 नहीं लिख सकते. सिमिलरली इन द थर्ड पार्ट 20:5. अब 4 5 टेबल में दोनों जाएंगे तो 5 4 टाइम्स 20 एंड 5 1 टाइम्स 5, ये इसका आंसर आ जाएगा. फिफ्थ पार्ट इज 1500 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर. तो किलोमीटर और किलोमीटर सेम यूनिट्स हैं तो इसलिए इसके दरमियान में रेशियो फाइंड करेंगे. 1200 आ जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इसके बाद जो है ये 2 जीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिलेशन शो नहीं करनी, मैं अगेन कह रही हूँ. यहाँ पे जब 15:12 बच जाएगा, अब आपने इसको डिवाइड करना है 3 के टेबल पे, तो 3 5 15 एंड 3 4 टाइम्स 12, ये इसका आंसर आ जाएगा. बाकी इसका जो थर्ड और सिक्स्थ पार्ट है, थर्ड एंड सिक्स्थ पार्ट, वो आपने खुद करना है क्योंकि वो इन्हीं लाइंस पे होगा, और ताकि आप चेक कर सकेंगे आपको आप ये क्वेश्चन समझ आए हैं या नहीं आए. क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म.
अब आप यहाँ देखें कि जो रेशियो है वो फ्रैक्शन के दरमियान में आ गई है, तो आपने फ्रैक्शन को सोल्व करना है और इसकी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने सिंपली क्या करना है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। तो ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना और दरमियान में रेशियो वैसे ही रहेगी, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ये स्टेप लाजमी करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना आपने। 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 3 3 टाइम्स इज 9। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 4 में भी आपने यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 20, रेशियो 3 मल्टीप्लाई 40। और एक और बात जो यहाँ पे याद रखनी है, आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है, फिर ये सेकंड पे ये लेना है। फर्स्ट पे आपने ये नहीं लेना, वरना आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट पे आपने यही वाला एरो लेना है और सेकंड पे आपने इस तरफ से आना है। तो 13 मल्टीप्लाई 20 इज 260, रेशियो 3 मल्टीप्लाई 40 इज 120। अब जो है ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपने कैंसिलेशन शो नहीं करनी। 26 रेशियो 12 आ जाएगा और ये कैंसिलेशन होगी इसकी 13 पे कैंसिलेशन हो जाएगी। 2 पे कैंसिलेशन होगी, 2 13 टाइम्स 26 एंड 2 6 टाइम्स 12। अब 13 रेशियो 6 जो है वो नेक्स्ट किसी टेबल में नहीं जाता, सेम टेबल में, तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पार्ट है वो जो है वो इन्हीं दो क्वेश्चन की तरह होगा, तो ये आपने खुद करना है। अब हम जो है इसका सिक्स पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इस सिक्स पार्ट में क्या है, आपके पास इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक जो है आपका फ्रैक्शन है और एक नंबर है। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है कि जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे ऑब्वियसली 1 होता है, तो इसके नीचे आपने 1 लगा देना है। और ये फिर बिल्कुल आपके पिछले दो पार्ट्स की तरह बन जाएगा, पिछले 6 पार्ट्स की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो पहले जो है आपने ये वाली साइड लिखनी है, 4 मल्टीप्लाई 1, रेशियो दरमियान में वैसे ही आएगी और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो 4 1 टाइम्स इज 4, 20 10 टाइम्स इज 200। तो यहाँ 4 1 टाइम्स 4 होता है और 450 टाइम्स 200 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सेवन्थ पार्ट जो है वो बिल्कुल सिक्स पार्ट के तरह होगा। नाइन्थ पार्ट यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो ये भी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका होगा आंसर। तो 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 1 टाइम्स इज 5। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता किसी भी सेम टेबल पे, तो इसका आंसर जस्ट यहीं पे एंड हो जाएगा। बाकी इसके जो सेम पार्ट्स हैं वो इनके साथ एट्थ मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक डाटा गिवन है कि एक सिटी में 126 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट ट्रैवल करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी जाते हुए। तो 14 लोग हैं जो रिक्शा पे जाते हैं, 9 टैक्सी पे जाते हैं, 75 थ्रू बस जाते हैं, और 28 जो स्टूडेंट्स हैं वो कार से जाते हैं। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है इन सब की आपस में। तो रेशियो पहली है रिक्शा टू टैक्सी, मतलब रिक्शा और टैक्सी के दरमियान में जो स्टूडेंट्स की रेशियो है वो कितनी है, आपस में उसकी क्या रिलेशनशिप है। तो रिक्शा टू टैक्सी हम लिखेंगे 14:9। ये जैसे इसका आंसर आएगा, अगर तो ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता तो हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो नहीं इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे इसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। टैक्सी टू बस, टैक्सी में 9 जाते हैं और बस में 75 जाते हैं। अब ये भी आगे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं होता किसी एक सेम नंबर पे, तो ये भी इसका जस्ट यहाँ तक आंसर आएगा। नाउ टैक्सी टू कार, टैक्सी जो है वो 9 लोग जाते हैं और कार इज 28। ये आगे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं होगा, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 9 to 75 है ये डिवाइड होगा 3 पे। तो 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 2 टाइम्स 6, 3 5 टाइम्स 15, तो ये आ जाएगा 3:25, ये इसका आंसर आएगा। अगर तो ये आगे डिवाइड हो सकता तो आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है, अगर डिवाइड नहीं होता तो आपने इसको आगे फॉरवर्ड प्रोसीड नहीं करना। ओके, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स जो हैं वो इसी पे होंगे, इसी बेसिस पे होंगे, इन लाइंस पे होंगे, ऑल पार्ट सेम है इसके। उसमें आपको क्या दिया गया है कि कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू वगैरह के, उनके दरमियान में आपने रेशियो फाइंड करनी है। तो वो आप खुद करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितनी समझ आई है और ये क्वेश्चंस कितने समझ आए हैं। अगर तो आपका आंसर जो है पीछे से मैच कर गया तो इट मीन्स कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।